हापुड़ पलखुआ विकास प्राधिकरण के परिसर में एसपीडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर नितिन गौड़ ने शुक्रवार को स्मार्ट बैंकिंग लॉबी ऑक्शन और लोन मेला का फीता काट कर उद्घाटन किया। एसपीडीए के वीसी डॉक्टर नितिन गौड़ ने ऑनलाइन पर जोर देते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैंप के माध्यम से लोगों को एसपीडीए की प्रॉपर्टी के ऑक्शन के बारे में बताया जा सकेगा। अभी तक पंजीकरण की 1,30,00,000 की राशि प्राप्त हुई है। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को एस पी डी के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो हमारे बैंक के पार्टनर्स हैं उनकी स्मार्ट बैंकिंग लॉबी इनॉग्रेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन में अवेलेबल हैं उनके बारे में लोकल जो जनता है उसको जानकारी दी जा सके और प्रोसीजर्स दिखाए जा सके और उनको जो अन्य बैंकिंग सुविधाएं उनके बारे में बताया जा सके। वहीं इस दौरान एक अधिवक्ता ने एसपीडीए की वेबसाइट को लेकर कई सवाल खड़े किए। एक तरफ जहां पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड को स्वीकारा जा रहा है तो वहीं एडवोकेट शिल्पी गुप्ता द्वारा किए गए 2,40,000 रुपये की राशि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो अभी तक प्राधिकरण को नहीं मिली है। ऐसे में तकनीकी टीम, बैंक की टीम और एसपीडीए के अधिकारी तीनों ही कार्यक्रम में मौजूद रहे जो सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। ये है कि इन्होंने ऑनलाइन इस बार बैंक शुरू करी है, उसमें एक तो इनकी साइट जो है एचपीडीए की वो बिल्कुल नहीं खुल के देती है, इतनी मुश्किल से खुली है। उसके बाद सारी की सारा जो करा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट करी है। पहली बात तो इतनी मोटी अमाउंट 2,40,000 की नेट बैंकिंग से होना पॉसिबल नहीं है। चलिए वो भी हमने करा, आरटीजीएस मैंने पहले तो इनकी साइट में बहुत प्रॉब्लम आई, फिर कल आरटीजीएस करा 24 आवर से ऊपर हो गया है। अभी तक इन मेरे को बैंक की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि पेमेंट मेरी बैंक से कट चुकी है पेमेंट, बट यहाँ कोई पेमेंट की रिस्पांस नहीं है। सुबह से बैंक पेमेंट पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं एसबीएफसी से तो वो कहते हैं, टेक्निकल टीम कहती है हमें नहीं पता, हम तो तब करेंगे जब बैंक से आएगा। बैंक वाले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं आप डिपार्टमेंट से पता करिए, डिपार्टमेंट कह रहे हैं हम वापस एसबीएफसी से पूछेंगे। तो मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये कि वी शुडंट बी जंप टू कंक्लूजन। जो भी मैडम की क्वेरी है कि उन्होंने कुछ पैसा बैंक को ट्रांसफ़र किया एंड दैट इज़ नॉट बीइंग शोइंग, तो आपके सामने ही बैंक के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उस मैटर को सॉर्ट करें। ये खाली ऐसा नहीं है कि बैंक या प्राधिकरण जानबूझ के किसी को परेशान करता है, इनके अलावा भी काफ़ी एप्लीकेंट्स हैं जो अथॉरिटी में आए जिन्होंने अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। और जैसा कि मैम ने बोला कि ऑफलाइन मोड ही अच्छा था, तो हमें उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी कंपटीशन और बिड्स रिगिंग की शिकायतें रहती हैं। अभी वर्तमान में मेरठ और हापुड़ ये दो प्राधिकरण हैं जिन्होंने ई ऑप्शन को बढ़ावा दिया। अगर बिडर आपके सामने होता है तो वो बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें ई ऑप्शन की एक अच्छी बात ये कि इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके अपोजिट बिडर कौन है, लेकिन उसकी बिड कितनी की ये आपको पता चलता रहेगा। तो इससे हमें ये उम्मीद है कि प्राधिकरण को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मुझे आपको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि अभी कल तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही 1,30,00,000 तक का आ चुका है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जो हमने किया भी है विभिन्न माध्यमों से अपने लिमिटेड संसाधनों में, ताकि प्राधिकरण की आय बढ़े और प्राधिकरण बेटर सर्विसेज अपनी स्कीम्स में और हापुड़ पिलखुआ के नोटिफाइड एरिया में अवेलेबल करा सके। कोई भी अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अधिवक्ता की शिकायत पर एचपीडीए के वीसी ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। वहीं बैंक की ओर से बताया गया कि बैंक ने उपभोक्ताओं के लिए एक्सप्रेसवे और स्मार्ट बैंकिंग लॉबी की शुरुआत की है। हमारा दो पर्स है यहाँ पे, एक तो हमने यहाँ पे स्मार्ट बैंकिंग लॉबी लॉन्च की सर। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटेड है, आप कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, पासबुक अपडेट करा सकते हैं और साथ में बैंक ने एक्सप्रेस वे लॉन्च किया है सर। ये क्या होता है कि फेस्टिव पीक हम इसको बोलते हैं, जैसे इस समय दुर्गा पूजा के बाद पूरे देश में एक उत्सव का माहौल होता है, तो जो हमारे सैलरी वाले कस्टमर्स हैं, जो हमारे प्रोप्राइटर्स हैं, उनको जो भी आपको कार खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है, मकान खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उसके लिए सस्ते दामों पे और कम प्रोसेसिंग फीस पे हमने लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को आसानी से मिल सके। तो और ये हर साल हम करते हैं, हर साल बहुत सक्सेसफुल हमने इस बार हापुड़ में किया है ताकि इसमें सारा हमारे डीलरशिप से टाई अप होता है, जो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। हम कहेंगे कि आप आइए,
आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको खरीदिए, अपने सपनों को साकार करिए, और जो भी बैंक से आपको लोन चाहिए वो भी सस्ते दाम। और हापुड़ की जनता ने हमारा बहुत सहयोग किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।